सर्वप्रथम आप सभी को इस स्टेडियम में उपस्थित सभी को हमारे 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समारोह में उपस्थित परम आदरणीय एवं श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानीगण, मंचासीन माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज राष्ट्र 75वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से मना रहा है। इस पुनीत अवसर पर जिले के इस स्टेडियम में झंडोत्तोलन करते हुए मुझे अपार हर्ष एवं खुशी की अनुभूति हो रही। इस महान अवसर पर सर्वप्रथम मैं मधेपुरा जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानी के प्रति अपना सम्मान, आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मधेपुरा जिला स्वर्गीय विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, स्वर्गीय भूपेंद्र नारायण मंडल, स्वर्गीय शिवनंदन प्रसाद मंडल, स्वर्गीय कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, शहीद स्वर्गीय वाजा शाह एवं शहीद तुलहा यादव इत्यादि जैसे महान देशभक्त एवं महापुरुषों की जन्मभूमि रही, वे मधेपुरा जिला के गौरव। इस पुनीत अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। इस अवसर पर मैं मधेपुरा जिला के उन माताओं एवं बहनों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में अपना बलिदान एवं सहयोग दिया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना अंतर्गत इस जिला में 3 लाख बच्चों को पोशाक योजना से लाभान्वित किया गया। बच्चों को पढ़ाई में आर्थिक कठिनाई ना हो इसलिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 2.5 लाख मेधावी बच्चे बच्चियों को लाभान्वित किया गया। शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे और उनकी जानकारी हो इसके लिए मधेपुरा मंथन एक शिक्षा संवाद का कार्यक्रम सभी 181 हाई स्कूल्स में आयोजित किया गया। इस शिक्षा विभाग में बच्चे उनके अभिभावक से सुझाव प्राप्त किया, उनकी प्रतिक्रियाएं ली जिससे कि आगे की रणनीति बनाई जा सके। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए। एक तरफ जहां भौतिक संसाधनों में वृद्धि हुई है वहां शिक्षकों की भी भारी मात्रा में नियुक्ति की गई है। अगर देखा जाए तो बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जो पिछले 3 माह में लगभग 4 लाख शिक्षक हमारे पूरे बिहार को दे चुका है। मधेपुरा जिला के अंतर्गत 5,000 से भी ज्यादा शिक्षक आए हैं। पढ़ाई लिखाई में जो कमजोर बच्चे हैं उन बच्चों के लिए विद्यालय में ही मिशन दक्ष के अंतर्गत ट्यूशन की व्यवस्था की गई। विद्यालयों में साफ सफाई, शौचालय, सुरक्षा, बेंच डेस्क, ICT लैब इत्यादि सभी की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बच्चों की सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का निर्माण एवं खेलकूद हेतु खेल मैदानों का विकास भी किया जा रहा है। खेल विभाग के अंतर्गत बच्चों के खेलकूद के विकास के लिए एक तरफ जहां विद्यालयों में खेलकूद मैदान का निर्माण कराया जा रहा है वहां दूसरी तरफ उपस्करों का क्रय भी किया जा रहा है। एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए हमारे BN मंडल स्टेडियम मधेपुरा में ही उसका संचालन किया जा रहा है जहां बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क आवासन एवं पठन पाठन की भी सुविधा दी जा रही है। इसी क्रम में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर का संचालन हमारे इंडोर स्टेडियम में कबड्डी खेल भी किया गया है। साथ ही इंडोर स्टेडियम में जल्द ही जिम, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एवं चेस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। किशनगंज प्रमंडल में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 61 योजना ली गई जिसमें से 43 स्वीकृत हो गई। नए मार्ग एवं मरम्मत अंतर्गत कुल 48 सड़कों के निर्माण में 65 किलोमीटर की सड़क बन गई। हमारा लक्ष्य है कि जिले के सभी गांव, मोहल्ला, टोला, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, चिकित्सा केंद्र, मार्केट, सरकारी संस्थान सभी पक्की सड़क से पहुंच कर से स्थापित हो। जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु संचालित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली अभियान इसके अंतर्गत 277 सार्वजनिक कुआं, 1,557 सार्वजनिक चौपाल एवं 95 सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन का निर्माण किया गया है। साथ ही जिले में कुल 11 स्टेडियम का निर्माण किया गया है। मिशन मार्ग
मधेपुरा जिला के समग्र विकास के लिए हमने मिशन मार्ग चलाया है, जिसके तहत मधेपुरा जिला को एक्सेसिबल, अप्रोचेबल, रीचेबल फॉर गुड गवर्नेंस बनाने का उद्देश्य निहित है। इस अभियान के तहत NH 106 और 107 के लंबे समय से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को नियमित समीक्षा एवं स्थलीय निरीक्षण अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष जिले में कुल 3484 आवासों को पूर्ण किया गया। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में 8,13,078 परिवारों को रोजगार का लाभ दिया है। अब तक कुल 31,00,000 मानव दिवस सृजित किया गया है एवं 10,720 योजनाओं को पूर्ण किया गया। मेरे प्रिय मधेपुरा वासियों, आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गणतंत्र शब्द को सही मायने में आत्मसात कराने की आवश्यकता है। यह अपने साथ जिम्मेदारी भी जाता है, साथ ही अपने कर्तव्यों का बोध भी कराता है। 26 जनवरी का पावन पर्व आज भी हर दिल में राष्ट्रीय भावना की मशाल प्रज्वलित कर रहा है। लहराता हुआ तिरंगा रोम रोम में जोश का संचार कर रहा है। चहुं ओर खुशियों की सौगात है। किसी ने सही कहा है, कण कण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है। आशा करता हूँ पूर्व की भांति हम सब मिलकर एक सुंदर एवं खुशहाल मधेपुरा बनाए। और आज इस परेड कार्यक्रम में सभी हमारे परेड के प्लेटून्स, खासकर की महिला बटालियन, पुरुष बटालियन, स्काउट एंड गाइड एवं सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा आपने प्रदर्शन किया। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इस पुनीत अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय मधेपुरा।